दोस्तों हम 4 महीने पहले कड़कनाथ के 100 चूजे और प्योर ओरिजिनल देसी यानी गाउंटी मुर्गी के चूजे कहकर 200 चूजे टोटल 300 चूजे मंगा लिए थे। आप अपना पिछला वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा। अभी देखो वो 300 चूजों में से 50 से भी कम है, फिर इनको क्या हुआ है? इतने 250 चूजे की मोर्टैलिटी किस तरह से हुई है, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि यहाँ पे जो गलतियां हुई है आप वो गलतियां नहीं दोहराने के लिए एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। पहली गलती क्या थी मेरे भाई, हम 1 महीने के चूजे मंगाए थे, 1 महीने के चूजे फुल वैक्सीनेट कर यहाँ पर दिए थे, प्योर ओरिजिनल कर। अभी मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये प्योर ओरिजिनल तरीके से दिख रही है आपको, ये असली क्रॉस है मेरे भाई, उसके नीचे प्योर ओरिजिनल आपकी दूसरी मुर्गी बता रहा हूँ। तो देखो ओरिजिनल कहकर दिए तो असली क्रॉस है, और असली क्रॉस को क्या रहता है, अच्छे से क्वालिटी का फीड जरूरी रहता है। और पहला धोखा हमें क्या मिला है, 1 महीने के बेहतर वो बंदा लगभग 15 दिन के चूजे दे दिया था दोस्तों, ब्रूडिंग नहीं कंप्लीट हुई थी, चूजे भी दे दिया था, तब यहाँ आए के बाद सारे चूजे वीक हो गए थे, हम मेडिसिन डालकर वो एक करके थोड़े चूजों को बचा भी लिए थे, बहुत सारे चूजों को बचा लिए थे। उसके बाद बिना वैक्सीन करे से चूजे हमें बाद में जाके पता चला है, क्योंकि कोरेजा फॉलफॉक्स और वगैरह वगैरह रानी खेत की डिसीज भी कुछ चूजों में दिखाई दी थी, तभी हम मेडिसिन डालकर रिकवर कर पाए। तो यहाँ पर 2 गलतियां, एक पहला फ्रॉड क्या हुआ था हमारे पास, 1 महीने के चूजे कर 15 दिन के ही चूजे दे दिया था वो बंदा, पहली गलती, क्योंकि वो ब्रूडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, अगर से 15 दिन ही बोल तो हम और 15 दिन यहाँ आने के बाद ब्रूडिंग कर सकते थे, उसके लिए यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी नहीं है मेरे भाई, यानी 24 आवर्स करेंट नहीं रहता है, खेत का करेंट रहता है। पहला ये पॉइंट यहाँ पर ही वीक हो गए सारे चूजे, उसकी गलती। और दूसरी गलती वैक्सीन नहीं करे थे, दूसरी गलती, क्योंकि 7वें दिन पे और 14th डे पे 21 डे पे 28 डे पे वैक्सीन करना रहता है, लसोटा बूस्टर गंबोरो बूस्टर। ये हम 1 महीने के चूजे लाभ मंगाए हैं, 1 महीने के बोल के भेजा है बंदा, तो कहाँ से वैक्सीन कंप्लीट होगी। तो ये 2 फ्रॉड हुए हमारे पास। तीसरा यहाँ पे हुए सो गलतियां बताता हूँ देखो, उसके बाद हम मेडिसिन डाल कर अच्छे से रिकवर करे थे, ये काले मुर्गियां जो दिख रहे हैं कड़कनाथ के, तो इसमें से लगभग 5, 6 या 10, 12 ही चले गए थे, 10 के अंदर मोर्टैलिटी हुई थी, 90 के करीब अच्छे से हो गए थे, 2 महीने के हो गए थे, 2 महीने के करीब के यानी 1.5-2 महीने के करीब के होने के हुए, जब 1.5-2 महीने के होने के 2 महीने के करीब में आते जब ये इतना दाना खा ले रहे थे कि मान लो दबा के खा ले रहे थे यार, एक बैग हम ला रहे हैं तो 3-4 दिन में बैग कंप्लीट हो जा रहा था, 3-4-5 दिन के अंदर बैग कंप्लीट, फिर बैग यानी ग्रोवर फीड की जरूरत रहती है, तो ये पूरा हमें फीड को दबा के आ रहा था यहाँ पर। तो क्या हुआ था, थोड़े चूजे बड़े हो गए ना, बाहर रहेंगे कर बाहर छोड़ दिए थे, तो बाहर दूसरा अपना दूसरा वाला पार्टीशन था ना उसमें मिला दिए थे, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है, ग्रोवर फीड देना था तो यहाँ पर क्या दिए फीड, कोंडा मिला है, बहुत सारा कोंडा और मकई, ये 2 मिलाकर भिगाकर वगैरह वगैरह मिलाकर देना स्टार्ट कर देते, तब कोंडा मुर्गियों को देना लगभग आप 10 किलो दे रहे हो मकई, तो उसमें 1 किलो कोंडा मिलाए तो काफी रहता था, यहाँ पर कैसे चल रहा था कि 5 किलो मकई है तो 6-7 किलो कोंडा ऐड हो जा रहा था उसमें, तो इस तरह से फीड मैनेजमेंट पूरी गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर मेन बड़ा, नहीं तो फीड मैनेजमेंट अच्छा रहे तो यानी सिर्फ ग्रोवर फीड पे ही डिपेंड रहे तो अभी तक वो बहुत सारे मुर्गियां अंडे देना भी चालू हो जाते थे, 80 के ऊपर काले मुर्गियां हमारे कड़कनाथ मुर्गियां रहते थे, फीड मैनेजमेंट में गड़बड़। पहला 1 महीने के अंदर के चूजे यानी अंदर 15 दिन के चूजे का अगर 1 महीने के कहकर 15 दिन के दे दिया था, वैक्सीनेट कहकर वैक्सीन नहीं करी सुन दिया था, दूसरा वो पॉइंट हो गया। तीसरा फीड मैनेजमेंट, ग्रोवर डालना था, क्या डाले हैं हम, मकई और कोंडा मिलाकर, तो 1 महीना वही कंटिन्यू चला है, उसके बाद चूजे रोज तो मरना और वीक हो जाना, तब फिर फीड में चेंज यानी ग्रोवर फीड में फिर आ गए थे। तब तक क्या होगा मेरे भाई, बर्ड की जो ग्रोथ रहती है
वो रुक जाती है, उसके बाद फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो बचना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा फिर इधर वायर छोड़ो, फिर मकई डालो, फिर ग्रोवर डालो, ऐसे में ये फीड मैनेजमेंट में गड़बड़ होकर ठीक तरह से फीड मैनेजमेंट नहीं रहकर इतना। अभी तो प्योर ओरिजिनल देसी का मंगाए थे, वो भी सेम प्रोसेस, यही फीड उनको, उनको यही फीड चल रहा था। तो यहाँ पर मेन क्या हुआ था पता है, मेन रीजन क्या है, जहां से आप चूजे ले रहे हो ना भरोसेमंद आदमी से लीजिए, एक। दूसरा, वैक्सीन कराए या नहीं कराए कंपलसरी पूछ लो, अगर से नहीं करे तो आपके पास लाने के बाद तुरंत वैक्सीन कर लो। टाइम यानी हम लाइफ हफ्ते बाद करेंगे, दो हफ्ते बाद करेंगे, ऐसे नहीं चलता है। तुरंत गंबोरो वैक्सीन डाल लो, गंबोरो वैक्सीन के बाद आर टू बी दो, फॉलफॉक्स दो, फॉलफॉक्स के बाद आर टू बी दो, बट जो डेट पे देना है वो डेट पे दिए, उतना काम बाद में देने से नहीं करेगी मेरे भाई, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाएगी ये। और फीड मैनेजमेंट पे अच्छे से फोकस कर। अगर से हम यहाँ पर बहुत दिक्कत है मेरे भाई, पोल्ट्री फार्म में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि प्योर देसी में ही फायदा है, दूसरे बिजनेस में मुझे तो लगता है कि ना के बराबर। क्योंकि देखो अभी है थोड़ा बहुत, नहीं रहे तो कोई नहीं करेगा, बट मुश्किल है बहुत, क्योंकि 200 चूजे थे, 300 चूजे मंगा लिए मेरे भाई, उसमें से लगभग मान लो 50-60 चले गए थे, 50-60 चले गए के बाद यानी कमजोर चूजे छोटे अंडे में से निकले, सो और ठंड के कारण यानी लाइट नहीं थी ना, 24 आवर्स लाल लाइट लगाना पड़ता था, वो नहीं थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ ग्रोवर कंपनी फीड पे, स्टार्टर ग्रोवर पे अभी तक कंटिन्यू करी, तो यहाँ पर 200 से लेके 230 के बीच में अभी बैच रहता था हमारा। अगर सिर्फ स्टार्टर ग्रोवर ही डाली तो इनको जितने में बेचेंगे हम उससे भी ज्यादा फीड खा लेंगे ये, क्योंकि अभी देखो स्टार्टर 50 रुपये से ऊपर पे फीड मिल रहा है, 50 रुपये केजी फीड मिल रहा है स्टार्टर फीड, ग्रोवर फीड भी 40 के ऊपर ही कम नहीं है, फिर उतने कीमत का हम दाना डालेंगे तो कहाँ पे बचेंगे मेरे भाई। ये फीड अपन कम खर्चे, कम यानी मकई, ज्वारी, थोड़ी सी कनकी, ये अपने प्योर ओरिजिनल देसी को डाल सकते हैं, क्योंकि अपने जगह पे जो मुर्गी पलती है ना, ये वेदर को, ये फीड को आदत रहेगी। वो हम कहीं और से दूर से चूजे मंगा ले रहे, हम उनको अपना घर का फीड डालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मेरे भाई। घर का फीड डालना है तो कम से कम 3.5 से 4 महीने के ऊपर के बर्ड्स को घर का फीड डालना है यहाँ। अगर से 3 महीने के नीचे के तो कंपलसरी 1 महीना स्टार्टर फीड और 2 से 3 महीने क्या डालना है, ग्रोवर फीड डालना है। तो तब जाके इतने इतने बड़े हुए के बाद आप घर का फीड यानी मुर्गियां अंडा देते समय घर का फीड डालोगे ना तो चलेगा। तो यहाँ पर मेन और एक भी प्रॉब्लम क्या थी, वर्कर्स। वर्कर्स देखो फार्म पूरा गंदा रख देते थे यार, झाड़ू मारते ही नहीं थे। अभी वीडियो के स्टार्ट ही बताऊंगा मैं थोड़ी देर से, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जितना गंदा था, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, बचपन में तो अभी थोड़ी ज्यादा गंदा रख देते, पानी नहीं और दाना नहीं, झाड़ू नहीं यानी अच्छे से साफ नहीं, ये पूरे कारण की वजह से अभी इतने बच्चे। और ये भी जाएंगे इसमें से भी बहुत सारे, क्योंकि अगर से ठीक तरह से वर्कर्स डेली फार्म को क्लीन नहीं करे, दाना टाइम पे नहीं दे या पानी टाइम पे ना दे तो क्या होगा मेरे भाई, बर्ड्स की मोर्टैलिटी होगी ना। तो इसीलिए आप हमेशा जो गलतियां यहाँ के बताया हूँ वो गलतियां कभी भी आप मत करिए। तो अभी 3:40 हो रहे हैं, मैं एक बार फार्म के पास आ गया हूँ अपने देसी फार्म के पास। तो यहाँ पर देखो, ये देखो कुछ भी दाना नहीं, हाँ यहाँ पर, और थोड़ा सा पानी तो है इसमें बट यहाँ पर दाना तो बिल्कुल नहीं है। तो कितना डाले या नहीं डाले ये भी पता नहीं। अपना ये एक मुर्गी 40 चूज़ों को संभाल रही है भाई, 40 चूज़े कहाँ पर है, उधर साइड भाग गए मेरे आवाज़ सुनकर, वो कॉर्नर पे दिख रहे हैं छोटे छोटे चुनमुनु से। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर दाना डलवा देते, डाल दियो उसमें, वो डब्बे में डालो। देखो मेरे भाई इन्होंने नए आए हैं, कुछ ही एक 1 वीक भी नहीं हो रहा है, उसमें नहीं ऊपर से डालो ऊपर से। तो इनको मैं थोड़ा सा सिखा दूंगा, अभी यहाँ पर एक बंदा रहता है दूसरा, तो उनको सिखाओ बोला हूँ बट मुश्किल है यार, पहले जैसा उतना अच्छा सा नहीं कर रहे वर्कर्स काम। अगर जो वर्कर्स अच्छा करे ना तो टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि दाना और पानी अच्छे से रखना है, सफाई रखना है बस, इसके अलावा कुछ वर्कर्स का दूसरा काम ही नहीं रहता है। जो मेडिसिन मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ संभाल लेंगे, बट अगर से एक हाथ आड़े रहो
एक हाथ ऐसा आड़े रखो पूरा उसमें डब्बे में गिरना देखो, उसको स्टार्टर बोलते हैं, कंपेन कराना। हाँ कम, ये 40 मुर्गी के बच्चों को, 40 बच्चे हैं उसके, वो मुर्गी के साथ। ये दाना याद है दाना तुम्हें? ये दाना डालना, मकई नहीं डालना है। सो यहाँ पर देखो ये बॉटल में पानी का है, खतरा नहीं है। और यहाँ पे जो भाई अभी ये दिख रहे हैं, ये नए आए, इनको ये मुर्गियों के बारे में उतना मतलब दाना पानी इनको पता नहीं है। यहाँ पर ये और एक बंदा रहता है ना, वो पूरा इतना निकलेट कर रहा है कि पूछो भी मत। एक खतरा पानी नहीं है इसमें, और इसमें दाना कौन सा डालना था पता है? इसमें ग्रोवर फीड डालना था, ये पूरा मकई है। ये भाई कुछ भी दाना नहीं रहे तो इनको पता नहीं रहेगा, मकई डाल है। और वो देखो कितना गंदा है, ये देखो फार्म कितना गंदा। चलो एक बार देखो कितना गंदा है, कितने बार बोलता हूँ यार, हर बार बोलने लगा लेते हैं, क्योंकि काम करते हैं लोग तो पता रहना है गंदा है भाई, नीट कर लेंगे कहकर। चलिए क्या करें, अभी हम ही कर देते हैं। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ये सब क्लीन कर कर वाटर रखा हूँ, तो अभी देखो किस तरह से वाटर पी रहे हैं। मे भी कल सुबह रखे या कल भी रखे या नहीं पता, तो कल तो था थोड़ा बहुत दिखा था मुझे आधा तक, आज सुबह से प्यासे अभी रखा हूँ तो देखो कैसे पी रहे। तो वर्कर्स की वजह से मासूम जानवर इतना सफ़र होना पड़ता है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है दोस्त, वो क्या है, यहाँ पर ये चूज़ा देखिए ये अंदर था तो इसको बाहर छोड़ दिए, बाहर छोड़े पता नहीं, पर डोर ओपन करे तब ये बाहर निकल गया है। तो फिर पकड़ के अंदर डालना चाहिए था, वो लोग नहीं डाले। तो यहाँ पर इसको फॉल फॉक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये फॉल फॉक्स अभी इस तरह से बाहर रहेगा तो अपने बाहर वाले बर्ड्स को भी आ जा सकता है, फैल सकता है। तो अभी इसको पकड़ कर हम अंदर डाल दें। ओ भाई यहाँ पर देखो मुर्गी चूजे निकालिए, कितने मस्त प्यारे से दिख रहे हैं। तो और भी निकलने के बाकी है, और भी अंडे दिख रहे हैं हमें, तो देखते हैं कल कितने चूजे निकालेंगे। ये नहीं निकाली, ये भी निकाल दिए यार, यानी दो मुर्गियों को हम एक साथ बिठाए थे अंडों के ऊपर, तो कितने बच्चे निकालेंगे दो मिलके। ये कल का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये छिलकों को मैं जो दिखे छिलके वो बाहर निकाल लूँगा, नहीं तो ये छिलके उसी तरह से रख देंगे तो अंडों में फंस जाएंगे जाकर, उसमें से चूज़ा निकलने वाला है तो वो चूज़े को निकलने नहीं देंगे। तो कितने प्यारे से मस्त है, बहुत सारे अंडे है और चूज़े निकलने वाले हैं। देखते कल 21 डे होगा, आज 20 डे पे ही बहुत सारे चूज़े निकाले, देखो किस तरह से भाग रहे। एक नीचे गिर गया था, ऊपर डाल दिए हम, तो इंतज़ार करो कल कितने चूज़े निकलने वाले पता चलेगा आपको।